हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। 17 दिसंबर 2018 की प्रीलिम्स जो क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज है उसमें आपका स्वागत है। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है वो है बेसिकली कि जो मिनिमम एज ऑफ एलिजिबिलिटी है बेसिकली पर्टिकुलर ऑफिस के लिए उसमें आपको मैच करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला दिया गया कि गवर्नर के लिए 30 साल मिनिमम एज चाहिए, और फिर दिया गया कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए के जो है उसकी दी हुई 25 साल, और मेंबर ऑफ स्टेट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी दी गई 25 साल। आपको बताना है कि कौन सा इनमें से करेक्ट है। तो देखो हम क्या करते हैं, सभी के बारे में देख लेते हैं कि कौन से की मिनिमम एज यूपीएससी बेसिकली पूछ सकती है और जो इम्पोर्टेंट है। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं या वाइस प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर है उनके लिए मिनिमम एज हुआ है 35 ईयर, लोकसभा के जो एमपी होते हैं उनके लिए जो है 25 ईयर, और राज्यसभा में जो एमपी होते हैं वो उनकी एज होती है 30 ईयर, और जो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उनकी एज है 25 ईयर मिनिमम, और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी एज है 30 साल। तो यह चीज हमें ध्यान में रखनी है कि एज कितनी कितनी है, यूपीएससी में कंफ्यूज कर सकती है, तो हमें इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टुंड्रा क्लाइमेट के बारे में। क्वेश्चन यह है कि टुंड्रा क्लाइमेट है उसमें एक्चुअली जो प्लांट है उनकी ग्रोथ कम होती है, तो कौन से रीजन है। पहला रीजन यहाँ पे दिया गया है कि शॉर्ट ग्रोइंग सीजन, मतलब कि जो फसल बढ़ने का सीजन होता है वो काफी छोटा टाइम पीरियड होता है। दूसरा दिया गया कि वाटर लॉगिंग, कि वहां पे पानी है वो जमा हो जाता है इसलिए बहुत कम ही मौसम या आप बोल सकते हो कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए पेड़ पौधे वहां पे उगते हैं। तो देखो हम बेसिकली बात करें कि दोनों के दोनों ही रीजन हमें बताए सही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो टुंड्रा फॉरेस्ट होते हैं उनमें आपको जैसे हमने पढ़ा भी है ज्योग्राफी में कि वहां पे बहुत कम टाइम में गर्मी का सीजन आता है, तो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी धूप होती है तो उसी दौरान बहुत कम साइड में पेड़ पौधे उगते हैं, और वहां पे वाटर लॉगिंग आपको पता है ऑब्वियसली बर्फ जमी हुई है तो पेड़ पौधे कहाँ से उग पाएंगे। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी सही है और फर्स्ट भी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित मौसम की स्थिति में कौन सा बैरोमीटर पड़ने से अचानक गिरावट से निर्देशित होता है। मतलब हमें बताना है कि पहले तो देखो यहाँ पे एक चीज पता होना चाहिए आपको कि बैरोमीटर किस चीज को मापता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट है वो कर सकते हो। तो आपको बताना है कि भाई बैरोमीटर में अगर सडनली कम हो रहा है तो जो इंडिकेशन, तो इसका मतलब क्या हो सकता है। तो देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि बैरोमीटर है वो बेसिकली एटमोसफेयर का जो प्रेशर है उसको मेजर करता है। अगर हमारे एटमोसफेयर का प्रेशर है उसमें मतलब सडनली डिक्रीज आ रहा है, इसका मतलब तूफान है वो बेसिकली आने वाला है। सेकेंड ऑप्शन दिया गया यहाँ पे क्लीन वेदर, तो क्लीन वेदर तो आपको पता है पॉसिबल ही नहीं होता है। कोल्ड एंड ड्राई वेदर मतलब शांत मौसम की बात की जाए वो भी पॉसिबल नहीं है, और हॉट एंड सनी वेदर मतलब मौसम क्लियर है तो ऑब्वियसली ये नहीं हो पाएगा। सडनली कम हो रहा है इसका मतलब तूफान है वो आने वाला है, तूफान का इंडिकेशन है वो होता है। तो इस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन है वो पूछती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जो ये साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं आपको इनको एज के अकॉर्डिंग अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन सा आर्टिस्ट दे इसके बाद कौन से, एंशियंट इंडिया में बेसिकली क्रोनिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। पहला यहाँ पे दिया गया है पतंजलि, दूसरा यहाँ पे चरक, उसके बाद में आर्यभट्ट और फिर वराहमिहिर। तो इनकी सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन से थे उसके बाद कौन है कौन है। तो देखो इसका हम जो टाइम पीरियड देख लेते हैं, देखो एक चीज हमें पता होना चाहिए कि वराहमिहिर है वो सबसे लास्ट में आए थे, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड में से ही होने वाला है। ये चीज हमें क्लियर है यहाँ पे हो जाती है कि भाई पहले दूसरे में से होगा क्योंकि वराहमिहिर तो सबसे लास्ट में ही आए हुए हैं, तो उसके आधार पर हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एक चीज हमें पता है कि पतंजलि है वो बहुत पुराने, ये भी आपने जैसे हिस्ट्री में पढ़ा होगा ऑब्वियसली, तो इसका ऑप्शन है वैसे तो बेसिकली हम बात करें तो यहाँ पे ए हो जाएगा क्योंकि पतंजलि है वो आया है 2nd सेंचुरी BC मतलब ईसा पूर्व 2री शताब्दी में, और जो चरक हैं या उन वो आए हुए हैं बेसिकली 2nd सेंचुरी AD मतलब ईसा के 200 साल बाद या 200 ईयर नेक्स्ट तो ईसा था या BC से आप बोल सकते हो, सॉरी AD। इसके बाद में आर्यभट्ट है वो आए हुए हैं 476 से 550 AD में, और सबसे लास्ट में आए हुए हैं वराहमिहिर जो आए हुए हैं 505 से 587 के टाइम पीरियड के बीच में। तो इस तरीके से यूपीएससी सीक्वेंस वगैरह पूछ लेती है तो थोड़ा हमें ध्यान है वो रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भारत का पहला पूर्ण सुसज्जित हाथी अस्पताल रिसेंटली कहाँ स्थापित किया गया है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसके बारे में हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंडिया हेल्थ फंड के बारे में। इंडिया हेल्थ फंड के बारे में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा सही है वो हमें बताना है। पहला दिया गया है कि यह ग्लोबल फंड के सहयोग से टाटा ट्रस्ट के निवृत्त एक पहल है, मतलब टाटा ट्रस्ट का एक इनिशिएटिव है। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि यह जापानीज इंसेफ्लाइटिस को खत्म करने के लिए सामूहिक प्रभाव की शक्ति का लाभ उठाने का प्रयास है वो करेगा। तो जैसा मैं आपको बताऊं कि इंडिया हेल्थ फंड है वो बेसिकली टीबी के लिए आया था, ये आपको ध्यान रखनी है, टाटा ट्रस्ट का ही बनाया हुआ है।
तो यहाँ पे इसका जो मेन मोटिव हुआ टीबी है, ना कि जापानीज इंसेफ्लाइटिस, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सी हो जाएगा, बी यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुआ है पॉइंट के लिए मिले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या पॉइंट के लिए मिले वन्य जीव और पक्षी अभयारण्य के बारे में। अभी रिसेंटली न्यूज में भी था, तो उस चीज से बेसिकली क्वेश्चन पूछा गए हैं। पहला ऑप्शन स्टेटमेंट आपके सामने है कि यह आंध्र प्रदेश राज्य में एकमात्र रामसर साइट है। तो देखो ये यहीं पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश में नहीं है, यह तमिलनाडु में है। और अभी पॉइंट के लिए मिले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसलिए न्यूज में थी कि यहाँ की इस जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके आसपास के एरिया में काफी सारी केमिकल कंपनीज है वो आ गई, उसकी वजह से इसकी बायोडाइवर्सिटी को काफी ज्यादा नुकसान है वो पहुंच रहा है और यहाँ पे बहुत ही केमिकल का बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको लेके बेसिकली न्यूज में वो आई थी। सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है कि यह भगवान राम से जुड़ा हुआ है। तो जी हाँ बिल्कुल, आपको पता है कि जो धनुषकोटी का रास्ता है जिससे श्रीलंका के जो सेतु है राम सेतु, उसके रास्ते की बेसिकली यहाँ पे बात की गई है, तो भगवान राम से जुड़ा हुआ है। काफी सारे मंदिर हैं इस अभयारण्य में भगवान राम को समर्पित छोटे छोटे, तो इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट यहाँ पे गलत है वो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वर्ल्ड पुअर्टी क्लॉक के बारे में। आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं दो, बताना कि कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट यह दिया गया है कि जो वर्ल्ड पुअर्टी क्लॉक है वो बेसिकली एक मॉनिटरिंग टूल है जो कि पुअर्टी है उसको ऑल ओवर वर्ल्ड में एक तरह से मॉनिटर है वो करता है, रियल डाटा रहे वो प्रोवाइड करवाता है। सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है कि यह बेसिकली वियना में क्रिएट है वो किया गया था और ये एक एनजीओ के बेस पे और वर्ल्ड डाटा लैब है उसके द्वारा इसको क्रिएट है वो किया गया था। तो इसे मैं आपको बताऊं दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आप इन दोनों फैक्ट को याद है वो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन स्टेटमेंट आपके सामने दिया गया है कि आईएलओ कन्वेंशन 189 है वो बेसिकली डोमेस्टिक वर्कर्स से रिलेटेड है। सेकंड स्टेटमेंट है कि इंडिया है वो बेसिकली इस कन्वेंशन का साइन सिग्नेटरी है, मतलब इंडिया ने इस कन्वेंशन को साइन है वो किया है। हमें राइट ऑप्शन यहाँ पे चूज है वो करना है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने बेसिकली आईएलओ कन्वेंशन 189 इसको साइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि इंडिया ने अभी तक डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए कोई भी कानून है वो ढंग से नहीं बनाया, इसलिए इंडिया ने इसको साइन नहीं किया गया। अगर इंडिया इसको साइन कर लेगा आईएलओ कन्वेंशन 189 को या 189 को, तो इंडिया को डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए जो गाइडलाइंस वगैरह उनको फुलफिल करना होगा, उनका मिनिमम वेजेस वगैरह को, इसलिए इंडिया ने अभी तक इसको साइन नहीं किया है। और ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि आईएलओ जो कन्वेंशन है 189 वो बेसिकली डोमेस्टिक वर्कर या घरेलू वर्कर्स से रिलेटेड है। तो ये थी आज की हमारी क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही। आप जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्लीज उनका आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।